Hello everyone, we are doing next chapter of macroeconomics, that is banking. This chapter is very much interesting and important. ये chapter आपकी whole life के लिए useful होने वाला है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा. तो सबसे पहले हम banking system की बात करते हैं. Banking system is the backbone of an economy. Every economy की ये backbone है. The money supply of country depends upon the banking system as a whole and monetary policy of the central bank in general. So every economy has two types of banks. First one is central bank and second one is commercial bank. So central bank kya hai? Ye supreme hota hai, apex bank hota hai. Ye jo hai, each country ka ek hi bank hota hai. Like India ka jo central bank hai, wo kya hai? RBI, Reserve Bank of India. England ka kya hai? Bank of England. And America ka kya hai? फेडरल रिजर्व सिस्टम. तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो सारे आरबीआई के अंडर या सेंट्रल बैंक के अंडर काम करते हैं. तो फिर आगे बात आती है कमर्शियल बैंक की. कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन. कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स. इट मीन टू से कमर्शियल बैंक एक इंस्टीट्यूशन है और जो कि क्या करता है, परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है एंड लोन्स एडवांस करता है फॉर इन्वेस्टमेंट्स. एंड इनका जो इसका जो मेन एम है कमर्शियल बैंक्स का, वो है प्रॉफिट अर्न करना. तो ये क्या करते हैं? प्रॉफिट अर्न करते हैं. तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं लाइक SBI है, PNB है, अलाहाबाद बैंक है, केनरा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है. And many so other types of commercial banks are there. तो commercial bank कैसे profit earn करते हैं, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे. तो commercial bank कैसे profit earn करता है, उसको मैं आपको एक example के साथ ही समझा देती हूँ. Like सबसे पहले हम एक bank की बात करते हैं. कोई भी commercial bank है तो यहाँ पे एक हमारे पास household sector है जो कि money को क्या करता है, save करता है, household sector. और इधर हमारा क्या है, प्रोड्यूसर सेक्टर. अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है ये क्या करता है, अपनी मनी को सेव करता है. जब ये मनी सेव करेगा ये डिपॉजिट करा देगा बैंक के पास. ये बैंक के पास क्या कर देगा, मनी डिपॉजिट करा देगा. तो बैंक जो है इसके बदले में इसको क्या देगा, इसको बदले में इसको इंटरेस्ट रेट देगा. तो उस इंटरेस्ट रेट को हम क्या बोलेंगे, बोरिंग रेट. क्या बोलेंगे, बोरिंग रेट. मान लो ये जो है बैंक ने इसको हाउस होल्ड सेक्टर को ये दी है 3%. बोरिंग रेट कितनी दी है, 3%. तो बैंक जो है, ये कमर्शियल बैंक्स ने क्या किया है, उन सेविंग्स को आगे यूज करना है, उन डिपॉजिट्स को आगे यूज करना है. कैसे यूज करना है, उसमें से कुछ पैसा बैंक अपने पास रख लेगा, बाकी की क्या कर देगा, प्रोड्यूसर सेक्टर को लोन्स प्रोवाइड कर देगा फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स. ये प्रोड्यूसर सेक्टर बिजनेस फॉर्म्स भी हो सकती हैं या फार्मर्स भी हो सकते हैं. तो ये प्रोड्यूसर सेक्टर को मनी लेंड कर देगा, मनी लेंड कर देगा, लेंडिंग, लेंडिंग ऑफ मनी यानी लोन्स प्रोवाइड कर देगा. ये लोन्स प्रोवाइड करेगा और जो इंटरेस्ट रेट बैंक प्रोड्यूसर सेक्टर से लेगा, अब ये प्रोड्यूसर सेक्टर जो है बैंक को इंटरेस्ट रेट देगा, उसको हम बोलेंगे लेंडिंग रेट. क्या बोलेंगे, लेंडिंग रेट. मान लो ये प्रोड्यूसर सेक्टर ने इसको कितने परसेंट दिया है, 12% दिया है. तो इसका मतलब क्या है, बोरिंग रेट और लैंडिंग रेट का जो डिफरेंस है, बोरिंग रेट एंड लैंडिंग रेट का जो डिफरेंस है वही क्या है, उसको हम स्प्रेड बोलते हैं और वही कमर्शियल बैंक्स का क्या है, प्रॉफिट. तो यहाँ पे देखिए लैंडिंग रेट हमारे पास कितना है, लैंडिंग रेट ये हमारे पास है 12% और जो बोरिंग रेट है वो कितना है, 3%. तो जो बोरिंग रेट और लैंडिंग रेट का डिफरेंस है, स्प्रेड बोलेंगे हम उसको, क्या बोलेंगे, स्प्रेड यानी 12 - 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9%. तो इसी स्प्रेड को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट. इसका मतलब जो कमर्शियल बैंक्स का है उसको प्रॉफिट कितने परसेंट का हो गया, 9% का.
तो क्लियर हो गया आपको? तो बैंक्स ने क्या करा, हाउसहोल्ड सेक्टर ने अपनी डिपॉजिट्स जो है वो बैंक में कराए, इसके बदले में बैंक ने उनको बोरिंग रेट दिया जो कि 3% है, एंड बैंक्स ने वही पैसा जो लोगों ने डिपॉजिट कराया था उसमें से कुछ पैसा अपने पास रख के बाकी क्या क्या कर दिए, लोन्स प्रोवाइड कर दिए, और लोन्स जो हैं वो एज ए लैंडिंग रेट दिए हैं, और लैंडिंग रेट यहाँ पे कितना है, 12% है। तो लैंडिंग रेट एंड बोरिंग रेट का जो डिफरेंस है वो उसको क्या बोलते हैं, स्प्रेड, एंड वही क्या है, प्रॉफिट। इसका मतलब कमर्शियल बैंक्स ने प्रॉफिट गेन कर लिए। तो नेक्स्ट जो है वो है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहले ये टू टाइप्स के फंक्शन परफॉर्म करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ये किस किस टाइप्स के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है? फर्स्ट वन इज करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। करंट अकाउंट डिपॉजिट्स जो है जनरली बिजनेसमैन जो डेली ट्रांजेक्शंस के लिए करते हैं, ये इसमें डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर किए जाते हैं, मतलब ये इसमें चेकेबल फैसिलिटी होती है। तो इसमें क्या है, बैंक्स जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं देता है, नो इंटरेस्ट रेट इज चार्ज, उल्टा जो है बिजनेसमैन को ये सर्विस चार्ज करती हैं जो बैंक इनको देता है। दूसरा आ गया फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट्स को हम टाइम डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। ये जो टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट्स होते हैं इसमें चेकेबल फैसिलिटी नहीं होती है, ये किसी मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही विड्रॉ किए जा सकते हैं। लाइक ये वन ईयर का भी टाइम पीरियड हो सकता है, टू ईयर्स का भी हो सकता है, फाइव ईयर्स का भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द मैच्योरिटी। तो ये जो है टाइम पीरियड के हिसाब से इनको इंटरेस्ट रेट मिलता है। लाइक ये इंटरेस्ट रेट हो सकता है 8% भी हो सकता है, 9% भी हो सकता है, ये हर एक बैंक का अपना एक क्राइटेरिया है। फिर इसके बाद आ गया सेविंग डिपॉजिट्स। सेविंग डिपॉजिट्स जो ये जो जनरल लोग हैं उनको जो सेविंग्स इनकर्ज करने के लिए ये होते हैं, तो इसमें जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है या तो 3% होता है या 2% होता है, ये फिक्स्ड डिपॉजिट से बहुत कम होता है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो हैं हाईली इंटरेस्ट रेट अर्न करते हैं, लेकिन सेविंग डिपॉजिट्स में इंटरेस्ट रेट उतना ज़्यादा नहीं होता है। इसके बाद आ गया एडवांसिंग लोन्स। जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये लोगों को लोन्स कैसे कैसे लोन्स प्रोवाइड करता है, सबसे पहले ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होता है, जितना लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया होता है उससे वो ज़्यादा जो है विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं। ठीक है जी, जैसे किसी पर्सन ने इसमें 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट कराए हुए हैं तो वो 1,10,000 रुपीज़ या 20,000 रुपीज़ जो है विड्रॉन करा सकता है, उसके ऊपर जो है कमर्शियल बैंक जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। फिर इसके बाद आ गया कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में क्या होगा, लोगों को कैश जो है उनके अकाउंट में मतलब एक लिमिट के अकॉर्डिंग इशू कर दिया जाएगा कि इतना कैश है इसके ऊपर आप जो है उसको विड्रॉन करा सकते हो। तो इसकी जो लिमिट होती है, लिमिट के बाद जितना पैसा वो क्या है सारी जितना वो कैश उन्होंने इशू किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं लगता है, जितना वो विड्रॉन कराते रहते हैं, जितना लोग विड्रॉन कराएंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगेगा, इसको बोलते हैं कैश क्रेडिट। फिर इसके बाद आ गया लोन्स। लोन्स लाइक शॉर्ट टाइप लोन्स हैं, ये जो है ये किसी सिक्योरिटी के ऊपर लोन्स दिए जाते हैं। लाइक ये जो है कैश क्रेडिट जो है वो शेयर्स के ऊपर, बॉन्ड्स के ऊपर लोन मिलता है इनको, जो उनके करंट एसेट्स होते हैं। लेकिन जो लोन्स है ये किसी कोलेट्रल सिक्योरिटी के ऊपर, बेस के ऊपर मिलते हैं। लोन्स की जो लंपसम टोटल वैल्यू है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो इसका मतलब है कमर्शियल बैंक्स ने यहाँ पे जो फंक्शंस करे हैं वो टू टाइप्स के करे हैं, फर्स्ट वन इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड सेकेंड वन इज एडवांसिंग ऑफ लोन्स। नाउ वी आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज इन फॉर एक्सेस ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट्स। मीन टू से जितने कमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट्स हैं उससे कई गुना ज़्यादा जो है कमर्शियल बैंक्स मनी को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या करना है, हमने सपोज करना है यहाँ पे टू अजम्पशंस। वो टू अजम्पशंस क्या हैं, फर्स्ट वन इज इंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट एंड इज टर्म्ड एज बैंक्स। मीन टू से जितना भी बैंकिंग सिस्टम है, जितने भी बैंक्स हैं उन सबको हमने क्या करना है, एक यूनिट सपोज करना है, वो क्या करना है बैंक्स। ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू
बैंक्स, जितनी भी पेमेंट्स हैं या जितनी भी रिसीट्स हैं वो सारी की सारी चेक्स के थ्रू बैंक्स के थ्रू होंगी। फिर इसके बाद जो ये जो मनी क्रिएशन है इसमें जो डिपॉजिट्स हैं, जो बैंकों के पास डिपॉजिट पड़े हैं, तो बैंक्स जो है वो सारे के सारे डिपॉजिट्स जो है वो लोन्स देने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो लोन्स देने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। द डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द बैंक्स आर यूज्ड फॉर गिविंग लोन्स, बैंक्स कैन नॉट यूज़ द होल डिपॉजिट्स। लेकिन वो सारे के सारे डिपॉजिट्स नहीं यूज़ कर सकते हैं, उसमें से कुछ जो है वो बैंकों को अपने पास रखना पड़ेगा। यानी इट इज़ लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक्स टू कीप अ सर्टन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज रिजर्व्स। सो द फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज LRR, मीन टू से लीगल रिजर्व रेशियो, विच इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के एक लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो फिक्स कर देती है कि इतने परसेंटेज जो है वो आपने मतलब बैंक्स ने अपने पास रखना ही रखना है। तो बैंक्स ये है अपने पास पैसा क्यों रखते हैं, क्योंकि जिन्होंने पैसा डिपॉजिट कराया होता है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आके विड्रॉल करा ही लेंगे। तो इसलिए जो लीगली कंपलसरी है कमर्शियल बैंक्स के पास अपने पास पैसा डिपॉजिट करके रखना, तो उसकी जो रिजर्व रेशियो है वो कौन फिक्स करेगा, सेंट्रल बैंक। तो ये सेंट्रल बैंक ने LRR तो डिसाइड कर दिया, मान ये 10%, 20%, 12.5%, 13% कुछ भी हो सकता है। ये सेंट्रल बैंक्स जो है वो अपने रूल्स जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है इस रेशो को। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर का, मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं उसको, मतलब कितने टाइम्स जो है वो मनी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR परसेंटेज। सपोज करिए LRR जो है वो 20% है, LRR जो RBI है उसने 20% डिसाइड की है, LRR जो है RBI ने 20% डिसाइड करी है, तो इट मीन टू से मनी कितनी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/20% परसेंट रिमूव करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 100/20 मीन टू से 5। तो मनी मल्टीप्लायर कितना है, 5। इसका मतलब है मनी जो है जितने डिपॉजिट्स बैंक्स के पास हैं, जितना बैंक्स ने लोन्स के रूप में उनको यूज़ करा है, तो मनी कितनी मल्टीप्लायर हो जाएगी, 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। अगर 1 लाख इनिशियल डिपॉजिट है तो वो 5 लाख हो जाएंगे, अगर 1 करोड़ है तो 5 करोड़ हो जाएंगे, इट मीन्स अगर 10 करोड़ हैं तो वो कितने हो जाएंगे, 50 करोड़। सो इट डिपेंड्स अपॉन द लीगल रिजर्व रेशियो। Now let's understand it with the help of table. तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने डिपॉजिट्स, लोन्स एंड कैश रिजर्व्स, ये 4 कॉलम्स बनाए मैंने यहाँ पे, डिपॉजिट्स, लोन्स एंड कैश रिजर्व्स। एंड फर्स्ट जो है इनिशियल डिपॉजिट, तो आपने सपोज करना है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास डिपॉजिट्स इनिशियल कितने हैं, 1000 रुपीज़ हैं, और हमने जो लीगल रिजर्व रेशियो है वो 20% अज्यूम करी है। तो इसका मतलब क्या है, जितने डिपॉजिट्स हैं कमर्शियल बैंक्स के पास उसका 20% कमर्शियल बैंक्स ने अपने पास रखना है एज रिजर्व्स, एंड जो बाकी बचेगा वो क्या कर देने हैं, लोन्स प्रोवाइड कर देने हैं। तो ये क्या होगा, जैसे कमर्शियल बैंक ने क्या करा है, 1000 उसके इनिशियल डिपॉजिट है, तो उसका 20% कितना होगा, 20% इसका होगा 200। तो 200 कमर्शियल बैंक अपने पास रख लेगा और 800 के क्या कर देगा, लोन्स प्रोवाइड कर देगा, 800 के लोन प्रोवाइड कर दिए। अब ये जो लोन्स हैं ये सीधे वो कमर्शियल बैंक्स जो है वो सीधा कैश की फॉर्म में नहीं देता है, जिसने ये लोन्स लिए हैं उनके क्या कर देता है, अकाउंट्स ओपन कर देता है। तो अकाउंट्स ओपन करने के बाद उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है जाती है कि जितना अमाउंट वो चाहें वो उतना क्या कर सकते हैं, विड्रॉ करा सकते हैं। सपोज उन्होंने सारे की सारी अमाउंट जो है वो विड्रॉ करा ली है, तो विड्रॉ कराने के बाद वो चेक्स के थ्रू फिर से दोबारा क्या आ जाएगी, फर्स्ट राउंड में वो फिर से मनी डिपॉजिट हो जाएगी बैंक्स में, फिर से वापस आ जाएगी एज डिपॉजिट होंगे। तो फिर से क्या होगा, 800 का 20% वो अपने पास रखेंगे, 800 का 20% क्या होगा, 160। तो 800 का वन जो 20% है 160 है, तो 160 वो कैश रिजर्व रख लेंगे। तो 800 में से 160 माइनस करके वो क्या बनेगा हमारा, 640। तो 640 वो क्या कर देंगे, लोन्स प्रोवाइड कर देंगे। तो
तो ये लोन्स फिर से उनके अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे, अकाउंट्स ओपन करने के बाद उनको जो है सपोज करिए वो सारे के सारे अमाउंट जो है वो विड्रॉन हो गई है, तो वो फिर से क्या हो जाएंगे सेकंड राउंड में कमर्शियल बैंक्स के पास फिर से डिपॉजिट हो जाएंगे 640 रुपीज। तो 640 रुपीज का फिर से क्या किया जाएगा, 20% किया जाएगा, 640 का 20%। तो ये जब ये 20% होगा तो ये कितना होगा, 128। तो उसमें से 640 में से 128 रुपीज कैश रिजर्व्स हो जाएंगे एंड जो बाकी बचेगा 512 रुपीज क्या कर दिया जाएगा, लोन्स ग्रांट कर दिए जाएंगे। तो इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा, राउंड्स चलते रहेंगे, ऐसे राउंड्स जो है वो चलते रहेंगे। ये राउंड्स तब तक चलते रहेंगे जब तक ये डिपॉजिट्स है वो उसकी अमाउंट जो है वो जीरो नहीं हो जाती। तो इसमें क्या होगा, एंड में हमें कैसे पता चलेगा कि डिपॉजिट्स जो है वो टोटल कितने हो गए हैं, कितने राउंड तक चलना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया था मनी मल्टीप्लायर का, वो हम लगा के यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैंने कहा था मनी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 5 टाइम्स। इसका मतलब क्या है, टोटल डिपॉजिट्स जो है 1000 से शुरू हुए थे तो टोटल डिपॉजिट्स यहां पे कितने हो जाएंगे, 5000 रुपीज। 1000 से शुरू किया तो टोटल डिपॉजिट्स इसके कितने हो गए, 5000 रुपीज। तो 5000 रुपीज का हम 20% कर देंगे वो कितना होगा, 1000। तो 1000 कैश रिजर्व्स होंगे। तो नेचुरली जितने डिपॉजिट्स है उसमें से हमने कैश रिजर्व्स अपने पास रखे हैं 1000, तो बाकी का क्या बचेगा, 4000 वो क्या कर दिया है, लोन्स ग्रांट कर दिए हैं। इसका मतलब क्या है, मनी मल्टीप्लाई हुई है थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो ये तो है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब ये जो लीगल रिजर्व रेशियो है ये चेंज होती रहती है, सेंट्रल बैंक जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपको इसकी जो आपको परसेंटेज बता के एक टेबल बनाने को भी बोल सकते हैं, तो वो टेबल भी आप बना सकते हो। जैसे सपोज करो LRR 12.5% है, LRR 12.5% है एंड इनिशियल डिपॉजिट 1000 है, तो कितनी मनी क्रिएट होगी, तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगा के। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, 1/LRR मीन टू से 1/12.5। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये क्या हो जाएगा, इसका हम 100 तो परसेंटेज का लगा लेंगे और एक पॉइंट लगा लेंगे, तो ये बन जाएगा 1000/125। तो ये कितना बन जाएगा, 8। इसका मतलब मनी कितनी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 8। तो ये कितनी बनेगी, इनिशियल डिपॉजिट्स अगर 1000 है तो मनी कितनी हो जाएगी, टोटल 8000 रुपीज। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मनी मल्टीप्लायर। थैंक यू सो मच।